अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जेंट्स पजामे की कटिंग सीखेंगे। वैसे जेंट्स पजामा कटिंग करने के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है कि सिलाई होने के बाद इन्हीं के पास से पजामा टाइट हो रहा होता है या हमें साइज के हिसाब से पैंट पजामे पर फिटिंग निकालने में परेशानी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ही मैथड से पजामे की कटिंग सिखाऊँगा कि आप सिर्फ एक मैथड निकाल कर पजामे की कटिंग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पजामे की कटिंग के लिए स्टाइलाइज कर लें, फुल लेंथ में आपकी लाइन लगा लें। अब नेफे के लिए 2.5 का मार्जिन रखें और इस मार्क को भी स्ट्रेट लाइन करें। पजामा कटिंग के लिए जो मैं आपको यहाँ मेथड बता रहा हूँ, आपने सिर्फ ये एक ही मेथड यूज करके पजामे की कटिंग करनी है कि हम 40 हेप के ऊपर पजामा कटिंग कर रहे हैं तो हम हिप साइज से तीसरे हिस्से पर आसन का मार्क लगाएंगे। मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर लें। जितना मार्क हमने आसन के लिए लगाया इतना ही मार्क हम पजामे में फिटिंग के लिए लगाएंगे, यानी हम पजामे की फिटिंग के लिए तीसरे हिस्से पर मार्क कर देंगे और इसमें 2 इंच ऐड करेंगे। अब इस फिटिंग वाले मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर लें, बिल्कुल आपने स्क्वायर लाइन करनी है। और ये जो हमने 2 इंच पे मार्जिन के लिए मार्क लगाया इस मार्क तक आपने आसन को शेप देना है। अब अगर हम पजामे में आसन को नाप लें तो 14 इंच का साइज मिल रहा है और टोटल पजामे की चौड़ाई को नाप लें तो 15.5 इंच का साइज मिल रहा है। इस 15.5 इंच के साइज को हाफ कर लें जो 7.25 इंच बन रहा है। इस 7.25 इंच के मार्क को हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। पजामे में क्रीज लाइन होगी, 38 लेंथ है, लेंथ को मार्क कर लें। 3 इंच तक बॉटम में मार्जिन रखेंगे। घुटने की शेप के लिए लेंथ के हाफ में 2 इंच ऐड करेंगे, 19 इंच लेंथ का हाफ है तो 2 इंच ऐड करें तो 21 इंच बन जाता है, या आप 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं, हम 21.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन कर देंगे, घुटने के मार्क को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे, लाइन के मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे और लाइन के मार्जिन को भी स्क्वायर कर देंगे। पैंट स्टाइल पजामे में बॉटम की मार्किंग करेंगे। बॉटम साइज 15 इंच है तो 15 इंच का हाफ करें तो 7.5 इंच बन रहा है। 7.5 इंच को आप डिवाइड कर लें हाफ में, 4.25 इंच क्रीज लाइन के एक तरफ मार्क कर लें और 4.25 इंच क्रीज लाइन के दूसरी तरफ मार्क कर दें तो ये टोटल साइज 7.5 इंच बनेगा जो 15 इंच का हाफ होगा। अब हम पैंट पजामे में गिद्दी को शेप कर देंगे। आपने पैंट पजामे में गिद्दी के शेप को लेंथ के मार्क से 2 इंच ऊपर खत्म करना है। पैंट पजामे में हमें घुटने के पास से जितनी फिटिंग मिल रही है उतनी ही फिटिंग को हमने क्रीज लाइन के दूसरी तरफ भी मार्क करना है। पास के शेप को भी हमने लेंथ के मार्क से 2 इंच ऊपर खत्म करना है। पैंट स्टाइल पजामे में आप पॉकेट लगाना चाहें हैं तो नेफे के नीचे 3 इंच पर पॉकेट का पहला पॉइंट मार्क करें और पॉकेट के मुंह को 6.5 इंच पर मार्क कर लें जो हिप का छठा हिस्सा बनता है। अब हम पजामे में फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। आपने देखा कि हमने सिर्फ एक मेथड लगाया और पजामे में फ्रंट की कटिंग कर दी।
हमने जो आसन की लाइन लगाई है उसे आधा ही नीचे एक लाइन कर देंगे। बैक में 2 इंच बढ़ाकर फिटिंग का मार्क लगा लें। इस मार्क पे स्केल को रखना है और एक स्क्वायर लाइन करेंगे। से पॉलिश पर उठाकर स्काई लाइन जो आपको हिप में एक अच्छी फिटिंग देगी। बैक में 2 इंच का मार्क लगाएंगे जो राम की फिटिंग के लिए होगा। उसे की तरफ भी 2 इंच का मार्क कर लें और बॉटम में भी 2 इंच का मार्क कर लें। ये 2 इंच का मार्क सिलाई मार्जिन के लिए है। बैक की गोलाई को भी ड्राइंग कर लें। गिदरी को इसी तरह शेप करेंगे जिस तरह हमने फ्रंट में शेप किया था। पजामे में बैक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि हमने पजामे में कितनी फिटिंग दी है। हमने इस पजामे को 40 इंच के हिसाब से कटिंग किया है तो यहाँ पर हमें फ्रंट में 3 इंच की फिटिंग मिली है। 2 इंच बैग में सिलाई मार्जिन रखा है तो 3 इंच को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 इंच हमें फिटिंग में मिलेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप सिर्फ हिप के तीसरे हिस्से में पजामे को कटिंग करें तो इसमें आपको अलग से फिटिंग के लिए मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। हम बैंड स्टाइल पजामे का जब हम बॉटम में सिलाई करते हैं तो बॉटम अंदर से सिलाई होने में टाइट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरह गिदरी को कटिंग किया है बॉटम का मार्जिन फोल्ड होने के बाद अंदर से बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा और बिल्कुल फिक्स सिलाई हो जाएगी और फिनिशिंग वाली सिलाई आपको मिलेगी। तो हमने जब भी गिदरी को शेप देना है तो लैन के मार्क से 2 इंच ऊपर इस शेप को ख़त्म करना है। अगर आप इस शेप को लैन के मार्क से ख़त्म करेंगे तो जब भी आप बॉटम के मार्जिन को अंदर फोल्ड करेंगे तो बॉटम का मार्जिन टाइट हो जाएगा।